फिर चलो भाई कोई मेरा ऐसा दुख है ना, मैं भी ला कि ना चौपे और कहीं अच्छा खाना बना भी चूदा भी मेरे रिजर्वेशन को बात तू घर बाय घर बाय क्या खे आपकी जो है ना तबियत खराब हो जाएगी। मैं नहीं खा दी बस तेरे भाई बस नहीं खा दी फिर क्या खाओगी क्या अब आपके लिए गोश्त बनाऊ नहीं मैं कुछ मेरे जान बेटा क्या कर रहे हो देखें वर्दा अजान को इन्होंने जो है ना थोड़े से खिलौने खरीदे हैं ना सारा दिन जो है ना आज माशाल्लाह से संडे का दिन था ना तो सारा दिन जो है ना बस इसी ही खेल में लगा रहा तो देखें अभी भी उनको जो है ना धो रहा है तो देखें कि चीज़ें देखें जैसे घर के सारे सामान होते हैं ना वैसे अजान ने सामान खरीदे हैं ये देखें अजान बेटा ये टमाटर तो खराब है इनकी खुशबू भी खराब है इसको नहीं डालते ठीक है ना सालन खराब हो जाएगा कौन सा ये खराब है हाँ। इसको बकरी को डाल देंगे चलो ये देखें वार्स अजान की चीजें देखें आपने जो है ना और से देखना है जैसे जो है ना सालन रोटी के सारे सामान होते हैं ना अजान की जो है ना किस्मत पूरी इन्होंने खरीदी थी ना ये वहीं से निकले हैं ये देखें ये छोटी छोटी सी चीज़ें देखें जैसे कि बाल्टियाँ बनी हुई हैं जग बने हुए हैं तो यार आज जो है ना अजान भी साथ में इन्होंने अपने बर्तन रखे हुए हैं तो ये खुद अपना सालन बनाएगा और रोटी भी खुद अपनी बनाएगा और खाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर तो कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जो मेरे भाई बहनें दुख में हैं तकलीफ में या किसी परेशानी में हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करें तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और जो है ना वीडियो को पूरा वॉच करना लाइक शेयर भी जी। तो प्यारे आज जो है ना ये मैं गई थी ना मजदूरी पर जाती हूँ ना तो वहाँ जो है ना ये प्याज जो है ना प्याज की कटाई शुरू हो चुकी है ना जैसे कि प्याज बीजे जाते हैं अब ये माशाल्लाह से ये देखिए तैयार हो चुके हैं। जो बड़े प्याज थे तो वो तो उन्होंने जो है ना जिनके हाँ मैं जाती हूँ मजदूरी पर तो उन्होंने जो है ना जो बड़े प्याज थे ना वो तो उन्होंने गट्टू भर लिए बोरियाँ जैसे होती हैं तो बस ये जो है ना मैं पीछे लग गई गाय का घास भी बना लिया। ये देखें ये छोटे छोटे से प्याज जो है ना मैंने ये आधा एक किलो जो है ना इकट्ठे कर लिए थे मम्मी तो आज जो है ना बनाने में कुछ भी नहीं था तो मैंने सोचा कि आज जो है ना ये प्याज ही काट के बना लेती हूँ। ये भी बस देखें ये टमाटर जो है ना मैंने कल से रखा हुआ था ये ख़राब हो चुका है क्योंकि अब जो है ना गर्मी आ चुकी है ना तो एक दिन वाली चीज़ जो है ना दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं की जाती क्योंकि हमारे गांव में जो है ना हमारे पास तो फ्रिज वगैरह नहीं होते ना तो हम तो बस ऐसे ही कूलर में बर्फ़ डाल लेते हैं तो ऐसे बस जो चीज़ बचती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये देखें अभी जो है ना हम सालन बना रहे हैं आज माशाल्लाह से पता नहीं सासू माँ क्यों चुप चुप बैठी है वो भी कुछ बात करेगी दीवार से। मम्मी ये एक और भी गिलास है ये।
शाम को जो है ना हमारे घर में जो चीज़ भी पकती है ना, हम वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि दिन को जो है ना हमारे गांव में अब इतनी गर्मी आ चुकी है ना, बहुत गर्म लो चलती है, तो व्यूअर मजदूरी पर जाना पड़ता है। वहाँ से जब जो है ना मैं आती हूँ ना, तो घर के काम जो है ना कुछ तो कर लेती हूँ, कुछ कुछ जो है ना शाम के लिए छोड़ देती हूँ। चलो सोचती हूँ कि कुछ टाइम ठंडा हो जाएगा तो फिर से काम कर लेंगे। चलो ये बंद है। तो यार अभी जो है ना ये प्याज छोटे छोटे से है ना, बारीक बारीक से, ये जो है ना काटने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये देखें बारीक बारीक से हैं बस, चलो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सालन बन जाएगा। वैसे तो आज जो है ना मैंने तंदूर को बनाकर ये देखे इसमें कचरा जो है ना थोड़ा सा डाल लिया है ना, तो तंदूरी पर ही रोटी बना लूँगी। ये प्याज प्याज को जो है ना तड़का लगाकर, पता नहीं आज नुमान कहाँ चला गया है। नुमान इधर आओ ना बेटा, इधर आओ ना। ये देखें ये जो तुम टमाटर लाए थे ना सब्जी में, वो ख़राब निकला है। असल में बच्चे जो है ना जाते हैं ना, इतनी महंगाई है ना, तो कोई चीज़ भी खरीदने जाते हैं ना, बस जो ख़राब चीज़ होती है ना, तो सब्जी वाले जो होते हैं ना वो बस ख़राब चीज़ ही बच्चों को देते हैं, तो बच्चों को क्या पता कि ये ख़राब है या सही है। तो नुमान के साथ ही कुछ ऐसा ही है। आज के बाद जो है ना नुमान से मैं कह रही हूँ ना, नुमान जब सब्जी खरीदने जाओगे ना तो फिर देख के खरीदना, ठीक है ना। नुमान आज जो है ना अजान के बर्तन देखे है आपने, ये कह रहा है कि अम्मी आज जो है ना सालन रोटी मैं अपनी आप बनाऊंगा। ये रबड़ के जो इसके बर्तन है ना, ये चूल्हे पर जाएंगे ये तो पिघल जाएंगे ना। ये देखिए अच्छा तुम ऐसा करो नुमान, नहा लो नहा लो, सुबह स्कूल जाना है, इधर आओ ना, मेरी बात सुनो ना, सुबह स्कूल जाना है, नहा लो। अजान ने मैंने दिन को नहाया था, अजान ने तो नहाया था, मेरे भी तो शाम को नहाया, गर्मी है ना अब जो ना रोजाना नहाना पड़ता है, तुम भी नहा लो, सुबह स्कूल जाओगे ना। जी तो प्यारे बस माशाल्लाह से आज जो है ना सासू माँ भी हमारे घर में आई हुई है, तो बस क्या करें, जो भी सालन बन रहा है वो भी खा लेगी। तो बस आपको पता है कितना महंगाई का दौर है, तो घर की कोई चीज़ भी पूरी भी नहीं होती, जितना भी इंसान मजदूरी करता है, तो क्या करें ये जो है ना। चलो मैंने सोचा कि आज जो है ना प्याज ही बना लेती हूँ। मैं आज प्लम जो मेरे को गिनती गई घर, चलो कहीं अभी 15 मैं बड़ा गिनती सा कहीं, चलो सब्जी तक घेन गई थी ओ तो आगे तो घर में नमाज पढ़। देखें बार बुजुर्ग इंसान को से जो है ना मजदूरी करवाना कोई अच्छी बात है नहीं ना। थोड़े चलो मेरी तो कुछ सियात है माशाल्लाह से, मैं तो काम काफ़ी कर ही लेती हूँ, तो इनको जो है ना सासू माँ को लेकर जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। वर्ष मैं भी यही सोचती हूँ, चलो मैं इनको क्यों ले जाऊँ, ये घर में ही बैठे रहेगी। मैं आज चलो भाई कोई मेरा दादू खेला मैं भी ला कि ना चौपे तो कहीं अच्छा खाना बना भी तू दा भी मेरे ख्याल में से को तू घर बाए घर बाए। क्या कहे आपकी जो है ना तबियत खराब हो जाएगी। मैं नहीं खा दी वसल, तेरे मैं वसल नहीं खा दी। फिर क्या खाओगी, क्या अब आपके लिए गोश्त बनाऊ? नहीं मैं कुछ मेरे पास गोश्त के पैसे नहीं है, चटनी बस मैं वसल नहीं खाऊंगी बस चटनी। अच्छा देखे वर्ष आज सासू माँ की बातें सुने आज काफी गुस्सा हो गई है, आज कह रही है कि मैं प्यास नहीं खाऊंगी तो मुझे जो है ना फिर बनाना। अच्छा नुमान और यान तुम तो खाओगे ना? चलो चलो ऐसा कर लेंगे ना, दादी आपकी दादी माँ ने जो है ना थोड़ी सी जो है ना लस्सी लेकर आई थी ना, तो अपने छोटे बेटे के यहाँ से, तो इसको जो है ना हम चटनी बना कर ज्यादा तो बेचारी खैश नहीं कर रही ना, चटनी की ही कर रही है, ये तो नहीं कह रही कि हमें मुझे गोश्त बना कर दो। रविवार सासू माँ को भी हमारे हालात का पता है ना, रविवार इसलिए जो है ना बेचारी कह रही है कि चटनी बना कर दो, वो तो मैं चलो चटनी ही बना लूँगी इंशाल्लाह। थोड़े से जो है ना ये मैं प्याज भी बनाऊँगी, क्योंकि रुमान और अजान जो है ना वो तो चटनी नहीं खाएगी।
बस रिवार्ड हर किसी की अपनी फरमाइश होती है घर में, लेकिन हमारे नसीब इतने अच्छे कहाँ के हम फरमाइश पर जो है ना खाना खाएं। जो भी रूखा गीला होता है फिर खा लेते हैं। तो अभी जो अभी भी जो है ना सासू माँ ने आपके सामने कहा है कि आज जो है ना मुझे चटनी बना खा दूँ। तो रिवार चलो ठीक है, सासू माँ को जो है ना मैं चटनी बना खा दूँगी। क्या करें रिवार्स, हालात महंगाई जब से ज़्यादा महंगाई है ना, बस गरीबों के कोई हालात भी नहीं है, बस सिर कुटी पर ये क्या करें क्या करें। ऊपर से घर के बिल, बच्चों का स्कूल का खर्चा, घर का घी पत्ती जैसे कि चीनी होती है, सब्जी होती है, और ऊपर से इतनी ज़मीनें भी नहीं है। ऊपर से आटे का रेट तो देखो 4000 का एक मन गंदम का खरीदा जाता है, तो हम जैसे गरीब क्या करें। पता नहीं रिवार इस बार जो है ना बिजली वालों को हमारे साथ क्या दुश्मनी थी। हम तो ज़्यादा जो है ना पंखे भी नहीं चलाते। रिवार्स आपके सामने जो है ना खाले पर कपड़े धोती हूँ मैं बच्चों के, और जो है ना नीम के नीचे जो है ना दिन गुजार लेते हैं। रात को जो है ना मान और अजान सोते नहीं हैं, तो इसी वजह से रात को पंखा चलाना पड़ता है। तो हमारा बिल के हालात देखो, हमारा बिल कितना आ चुका है नुमान बताएं कितना आया है। 2267। हाँ 2267 आए हैं, तो फिर क्या करें। हमारे घर के हालात ऐसे हैं तो हम कहाँ से भरें। मुझे तो पता है हमारा मीटर भी बस काटा जाएगा, बस मुझसे तो नहीं होगा। फिर क्या करें, पखे चले सो हाथ डाले, हाथ डाले पखे देना, खज्जी वाले, खज्जी वाले, खज्जी वाले पखे देना, तो वो चलाओ। क्या करें, ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं भरी दे, ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई ख्वाहिश, बस हमारी तो कोई ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती, सारी जिंदगी बस ऐसे ही मर जाएगी। अल्लाह ख्वाहिश रख के अल्लाह जरूर करेगा, ओ मौला करीम है, ओ रहीम है, ओ करेगा करेगा तेरी ख्वाहिश पूरी। खुदा जिक्र करो, खुदा शुक्र करो, करेगा। अल्लाह ताला ने जो है ना किसी को इतनी दी है कि वो अपनी मर्जी के साथ जो है ना जिंदगी गुजार सकते हैं, और हम जैसों को तो अल्लाह ताला ने इतना गरीब बनाया है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हाथ पांव तो सलामत दिए है ना। तो इंसान की जो है ना तबीयत भी ख़राब हो जाती है, मुझे भी बुखार भी आ जाता है जब मैं मजदूरी पर जाती हूँ, घर आती हूँ पैदल जाती हूँ, उमान और अजान भी स्कूल पैदल जाते हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये देखें आज जो है ना प्याज काटते काटते मेरा टाइम भी ख़त्म हो चुका, क्योंकि मेरे प्याज जो है ना इतने भरीक थे ना सालन, उनको काटते काटते तो इतना टाइम गुजर गया है। अभी भी मैं इनको काटूंगी क्योंकि सालन जो है ना थोड़ा सा बचा कर रखूँगी। सुबह जो है ना नुमान और अजान जो है ना स्कूल जाते हैं, और जैन की दादी माँ के लिए चटनी बनाऊंगी, आटा भी गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी। तो एक बार ये काम काज तो हमारे होते रहेंगे, बस हालात जो होते हैं व्यूअर्स आपके सामने ही होते हैं। हमारे जो भी हालात हैं व्यूअर्स, किसी हालात की वजह से सच्ची पूछे तो मैंने चैनल बनाया था। मैंने सोचा कि सासू माँ जो है ना अब बुरी हो चुकी है ना, यो सारा भी यही कुछ ना करो, यो सारा ये यो सारा ड्रम तो उन्हों को दिखा लेता जो भाई ऐसा पानी उतना का कि असाइंदा इंसान है उतना का पानी कि मैं पीऊँ, अगर यो उतना का पानी पीने क्या करूँ, ये सारे हालात अच्छे ना था मेरा पुत्र ये ड्रम घेरना भी आता देख मार दे मार दे मार ले आए तो बस ऐसे ही नहीं पता है हमारे हालात का। तो आपको भी पता होना चाहिए, ये बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे हालात जो है ना आप हमारे पूरे चैनल का विजिट कर सकते हैं बार। तो हमारे जो है ना ऐसे ही हालात है, तो जो भी घर में होता है बना लेते हैं और आपसे बातचीत भी बार कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।